हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि 2024 नया साल आपका शुरुआत हो गया है, 2023 आपका कैसे बीता ये आप सभी जानते हैं। और नए साल की शुरुआत नए डिसिप्लिन नए रूटीन के साथ शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आप सभी फिजिकल एजुकेशन की किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जो मैंने बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस कराया है, एमपीटेट के लिए प्रैक्टिस कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया है। सभी क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरी सेशन देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सभी टॉपिक के आपके थ्योरी सेशन मिल जाएंगे। एंड दोस्तों, जैसा कि अभी आपके सामने बिहार या स्टेट जो पात्रता परीक्षा है 9th-10th के लिए एंड 11th-12th के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं एंड इसका मार्च में एग्जाम होगा, फिर बीपीएससी का आपका जैसे कि सुनने में आ रहा है कि प्रत्येक वर्ष अगस्त में आपका बीपीएससी का एग्जाम होगा, तो आप पूरे मन से प्रिपरेशन करिए। जो भी इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं पाए हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निराश होने से तो कुछ मिलेगा नहीं। उससे बेहतर है कि हम उसमें क्या कमियां रह गई उसे सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा एवं खेल का समाजशास्त्रीय आधार। जैसे कि इससे पहले मैंने शारीरिक शिक्षा का इतिहास, जिसमें भारत और विश्व के इतिहास से रिलेटेड एंड संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन था, वन लाइनर, एंड सभी टॉपिक की वन लाइनर पूरा करने के बाद मैं एक एक टॉपिक की एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराऊंगी, जैसा कि मैंने बहुत सारा प्रैक्टिस करा दिया है। एंड दोस्तों, मैं 11th-12th सरस्वती प्रकाशन जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो मैं मैराथन क्लास मेरे चैनल पे है, और दोनों वीडियो आज जरूर देख के जाइए, उसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसा कि आपने बीपीएससी में भी देखा था, बिहार या स्टेट में भी देखा था। अदरवाइज केवल वही पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको एक हाई लेवल पर भी पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलकूद प्रतिभा खोज योजना में परिवर्णी शब्द PESAT किसके लिए आता है? तो यहाँ पे इसका अर्थ है फिजिकल इफिशियंसी स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, PESAT, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों। जैसे कि बीपीएससी में ही आया था कोई क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा है, मैं उसे क्लियर करा दूंगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुविधा सिद्धांत किसके द्वारा बनाया गया? तो सामाजिक सुविधा सिद्धांत नॉर्मन ट्रिपलेट के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है, खेलों में रिकवरी के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, रिकवरी के तौर पर हम सुधारात्मक यानी करेक्टिव एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट है, प्राचीन यूनानी किसको मापने में विशेषज्ञ थे? तो यह शारीरिक अनुपात को मापने में, शारीरिक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापने में के विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है, सामाजिक आलेख यानी सोशियोग्राम निम्न में से क्या मापने का साधन है? तो दोस्तों, सोशियोग्राम से समूह में संबद्धता तथा आकर्षण को मापा जाता है। एंड नेक्स्ट है, कैरन की अवधारणात्मक मॉडल, कैरन्स कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ कोहेसियन फैक्टर के घटकों का अनुक्रम क्या है? तो इसका अनुक्रम है सीक्वेंस बाय पर्यावरणीय कारक, वैयक्तिक कारण, टीम कारक, नेतृत्वकारी कारक। नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों उपयोगितावाद। खेल मनोविज्ञान से क्वेश्चंस अवश्य पूछता है। तो दोस्तों, कौन सा दर्शन अनुभव के जीवन और सफलता को, अनुभव को
यानी अनुभव ही जीवन की सफलता की कुंजी है, इसको मानता है उपयोगितावाद यानी एक्सपेरिमेंटिज्म, व्यवहारवाद, प्रयोगवाद कई नामों से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक है जॉन डी। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे किस चार्टर में शामिल किया गया है? तो यह यूनेस्को चार्टर में शामिल किया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? तो वो है दोस्तों पाठ्यचर्या की गैर समानता। ये क्या बोल रहा है, प्रतिकूल रूप से यानी गलत प्रभाव डालता है। जो पाठ्यचर्या की जो समानता नहीं होती है, गैर समानता होती है दोस्तों। जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको आप जरूर ध्यान में दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो हमको आता रहता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में हम मिस्टेक कर देते हैं, जिसके चलते क्वेश्चन का गलत आंसर टिक हो जाता है, क्योंकि एक एक नंबर का आपको सिलेक्शन के लिए माने रखता है। एक नंबर से पीछे हो गए थे, सिलेक्शन से बाहर हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृविज्ञानियों द्वारा सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण शब्द के स्थान पर इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? जो नृविज्ञानिक है वो सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण के स्थान पर एनकल्चरेशन का प्रयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि किस माध्यम से हम मूल्य और विश्वास अर्जित कर सकते हैं? तो वो है समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री खेलों को मानते हैं। तो समाजशास्त्री खेलों को सामाजिक सांस्कृतिक घटक मानते हैं, क्योंकि यह जब से मानव ने जन्म लिया है, जब से जीव जन्म लिया है, तब से यह खेल मानव का या जीवों का अभिन्न अंग है, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा इधर से उधर हाथ फेरने लगता है या माँ के पेट में भी वो गति करना स्टार्ट कर देता है। यह एक सांस्कृतिक घटक है खेल। खेल क्या है, एक सांस्कृतिक धरोहर है। याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि खेल क्या है, तो ये क्वेश्चन और आसन रहेगा सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक शब्द रहेगा, तो वो राइट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, शिविर की सफलता सावधानी पूर्वक चयन पर निर्भर करती है। तो दोस्तों कर्मचारी जैसे कर्मचारी रहेंगे, उस संस्था या किसी भी चीज की सफलता उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो दोस्तों समाजशास्त्र जो है मानव समाज का अध्ययन है। नेक्स्ट है, खेल समाजशास्त्र संभालता है। तो दोस्तों खेल समाजशास्त्र जो है टीम का सामंजस्य बना रहता है। क्या बना रहता है, टीम का सामंजस्य बना रहता है। आप चीजों को अपने आसपास की चीजों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन मन को आनंदित करने वाला, रिक्रिएशन जिसका इंग्लिश क्या है, रिक्रिएशन, री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी कि खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना ही मनोरंजन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने हेतु सबसे आवश्यक कार्य है। तो दोस्तों सबसे आवश्यक कार्य है समाज की जागरूकता, किसी भी चीज को लोकप्रिय बनाने की समाज की जागरूकता सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, शिविर यानी कैंप के लिए भारत में सबसे अच्छा समय होता है, तो वह बसंत ऋतु, जिसमें न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी होता है। नेक्स्ट है, वाईएमसीए क्लब बालक स्काउट बालिका गाइड्स किस अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों यह स्वयं सेवी मनोरंजन के साधन है, स्वयं सेवी के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि दोस्तों मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण चार प्रकार के हैं, शासकीय अभिकरण, स्वयं सेवी, निजी एंड व्यापारिक। शासकीय अभिकरण में NCC, NSS आदि आते हैं, स्वयं सेवी में YMCA, YWCA एंड क्लब स्काउट बालिका गाइड, एंड निजी में आपका नृत्य क्लब, ऑर्केस्ट्रा, वाद विवाद, व्यापारिक में TV प्रदर्शन एवं प्रदर्शनियां आदि आ जाएंगे।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, दूसरों की उपस्थिति के कारण अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे सामाजिक सम्मान देना। नेक्स्ट है, एक छात्र का आत्म प्रेरित होना और आजीवन गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना तब है जब छात्र एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए ज्ञान कौशल और मनोवृत्ति रखता है, तभी वह किसी भी चीज में गतिविधियों में भाग लेने के लिए आत्म प्रेरित होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं, इस बात को कहे हैं मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, व्यक्तियों का एक अस्थायी समूहीकरण जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, वह कौन से समूह से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एक आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, इस प्रकार के अस्थायी समूहीकरण कुछ समय के लिए, उसे हम कहते हैं टास्क समूह। क्या कहते हैं? टास्क समूह। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन योजना के चार चरण क्या हैं? तो इसके चार चरण हैं, शमन, तत्परता, प्रतिक्रिया एंड पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट है, अंतरंगता, व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान, साझी भावना कौन सी सामाजिक समूह के लक्षण हैं? तो जैसा कि पढ़ने से ही आप समझ गए होंगे, यह प्राथमिक समूह के लक्षण हैं, जहाँ पे अंतरंग भावना, आपसी पहचान, साझी भावना, ये सभी प्राथमिक समूह के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण कारक है? तो दोस्तों, समाजीकरण कब होगा? जब आप समाज में रहेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे, बातचीत करेंगे, तो सामाजिक तौर तरीके पर लोगों के बीच बातचीत, यह समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? तो वह होता है आपका सामाजिक नेतृत्व। नेक्स्ट है, समाजीकरण एक दूसरे के साथ आने तथा परस्पर सामंजस्य के साथ काम करने तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह करने की प्रक्रिया है। इस बात को किसने कहा है? तो यह कहे हैं बोगार्डस ने। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि रिक्रिएशन में यन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, रिक्रिएशन में यन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो रिक्रिएशन में यन से तात्पर्य है नेचुरल यानी प्राकृतिक। नेक्स्ट दोस्तों, सामाजिक धारणा यानी सोशल थ्योरी किसने दिया है? तो इसको दिया है अरस्तु ने। सोशल थ्योरी, कैथलेटिक थ्योरी यानी रेचन विरेचन धारणा, ये दोनों दिए हैं अरस्तु ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, प्रकृति में रहकर प्रकृति के समीप रहने का अनुभव है? तो यह होता है आपका शिविर यानी कैंप। नेक्स्ट है, खेल समाज शास्त्र का संबंध है? तो दोस्तों, खेल समाज शास्त्र का संबंध है समूह के आपसी तालमेल से। जब भी समाज शास्त्र का नाम आएगा उसमें समूह शब्द जरूर आएगा, तो समूह के आपसी तालमेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, आम लोगों को किस प्रकार का कैंप अधिक से अधिक आनंददायक होता है? तो वह प्राकृतिक कैंप सबसे ज्यादा आनंददायक होता है। नेक्स्ट है, कैंप खेल आवश्यक अनुकूल होने चाहिए? तो कैंप प्रतिभागियों के अनुसार अनुकूलन होना चाहिए। नेक्स्ट है कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य ध्यान होना चाहिए। तो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में मुख्य ध्यान स्वास्थ्य व स्वास्थ्य विज्ञान विषय में
बालकों को शिक्षित करना होना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यक्रम हो रहा है विद्यालय में तब। नेक्स्ट है समूह गतिशीलता शब्द से तात्पर्य है। तो समूह गतिशीलता शब्द से तात्पर्य है समूह गति की। नेक्स्ट है दोस्तों, किस दार्शनिक ने शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है? तो शारीरिक प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है सुकरात, अरस्तु एंड प्लेटो। एंड नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उत्पन्न है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है दोस्तों सीसी कोबेल की। जहां में व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन शब्द आए दोस्तों, वहां पे सीसी कोबेल होगा। और जहां पे आंतरिक अनुभव यानी भीतरी अनुभव के साथ परिवर्तन शब्द आए, वहां पे रोजालैंड कैसिडी का परिभाषा होगा। जिसमें अनुभव के साथ प्रक्रिया शब्द आए, अनुक्रिया शब्द आए, यह जो है आपका आवृत युफर का होगा, जैसा कि परिभाषा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, खेल एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चा आनंद की अनुभूति को तो करता ही है, यथार्थता को भी जाना चाहता है। यह परिभाषा है थॉर्नडाइक की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है, खेल को एक ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो दोस्तों यह इरिक्सन की परिभाषा है। नेक्स्ट है, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा स्टर्न की है कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। नेक्स्ट है, खेल ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह परिभाषा है दोस्तों हरलाक की। तो इस परिभाषा को याद रखिएगा कि खेल एक ऐसी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है और जिसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह परिभाषा है हरलाक की। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रोवेल ने किया था। एंड खेल विधि के जनक कार्ल वेल कुक हैं, लेकिन खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किया था फ्रोवेल ने। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट दोस्तों, खेल के अतिरिक्त शक्ति यानी सरपल्स एनर्जी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर। हर्बर्ट स्पेंसर एंड सीलर। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, खेल के मनोरंजन सिद्धांत रिक्रिएशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो है लॉर्ड केम्स एंड जी डब्ल्यू पैट्रिक। एंड नेक्स्ट है, खेल के पुनः प्राप्ति सिद्धांत यानी रिकैपिचुलेटरी थ्योरी के प्रतिपादक है जी स्टेनली हार। एक खेल के सैद्धांतिक धारणाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो रिकैपिचुलेटरी थ्योरी पुनः अवलोकन धारणा स्टेनली हार ने दिया है। इसका मतलब है इसको पुनः अवलोकन या पुनर्कथन या पुनर्प्राप्ति या पुनरावृत्ति की धारणा कई नामों से दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में तो वही शब्द रहेगा रिकैपिचुलेटरी थ्योरी, इसलिए इंग्लिश वाला वर्ड ध्यान रखिएगा। यानी रिकैपिचुलेटरी पुनः अवलोकन का मतलब होता है कि पूर्व अनुभवों को पुनः अनुभव करना। एंड नेक्स्ट है, खेलों के पूर्वानुमान सिद्धांत यानी कि एंटीसिपेटरी थ्योरी, जिसे हम भविष्यदर्शी धारणा भी कहते हैं या प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहते हैं, इसको दिया है कार्ल ग्रूस ने। किसने दिया है? कार्ल ग्रूस ने। यानी पूर्वाभ्यास व तत्परता के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए
तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेल खेलते हैं। यह कैथलेटिक सिद्धांत यानी रेचन विरेचन सिद्धांत के अंतर्गत लिया गया है दोस्तों, इसको दिया है अरस्तु ने। यानी ये कहते हैं कि खेल का वह कौन सा जो रेचन विरेचन धारणा है, इसमें बच्चे जो है खेल को तनाव, खेल के द्वारा तनाव और द्वंद्व को दूर करने के लिए और संवेगों जो हमारा इमोशन होता है उसके कारण जो उत्पन्न अधिक शक्ति होता है उसको व्यय करने के लिए खेलते हैं। ये रेचन विरेचन कैथेटिक धारा के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय था? तो नृत्य, तैराकी एवं मुक्केबाजी सिंधु घाटी सभ्यता में लोकप्रिय था। नेक्स्ट है, भारत में किस युग में व्यायाम के साथ योग के अभ्यास को एक धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था? तो वैदिक काल में। कब? वैदिक काल में। और योग पर प्रतिबंध कब लगा था? तो मुस्लिम काल में। नेक्स्ट है, खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है क्योंकि खेलों में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में नहीं होती है। मनोरंजन बिना खेल के हो सकता है, खेल के बिना मनोरंजन संभव नहीं है। खेल मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन तो खेलों का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रथ दौड़ किस प्राचीन सभ्यता में मनोरंजन का साधन था? तो रथ दौड़ मेसोपोटामिया में मनोरंजन का साधन था, मेसोपोटामिया सभ्यता में। नेक्स्ट है, किस प्रकार के प्रशासन को पितृसत्तावादी के रूप में भी जाना जाता है? तो वह है ऑटोक्रेटिक प्रशासन को पितृसत्तावादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निष्पक्षता, अखंडता, जिम्मेदारी और सम्मान किसके चार प्रमुख गुण हैं? तो वह है खेल नैतिकता के। नेक्स्ट है, बल का प्रयोग किए बिना किसी समूह से वांछित कार्य करवाने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो नेतृत्व कहते हैं, लीडरशिप। नेक्स्ट है, अनुशासन, ईमानदारी, आकर्षक व्यक्तित्व किसके गुण हैं? यह एक नेता यानी लीडर का गुण है। नेक्स्ट दोस्तों, बालक बालिकाओं में भिन्नता का क्या आधार है? तो इसकी भिन्नता का सिर्फ एक आधार है, लिंग भेद, और सभी स्किल में वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य शिक्षा को पूर्ण सफल बनाने में उसमें से किसे अति महत्वपूर्ण माना जाता है? तो वह सक्षम नेतृत्व किसी भी चीज में। नेक्स्ट है, नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो किस पर फोकस करता है? तो नेतृत्व निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों समूह को प्रेरित यानी प्रभावित करने के पर फोकस करता है। नेक्स्ट है, शिविर में विद्यार्थी में कौन सी भावना जागृत की जाती है? तो शिविर और यानी कैंप इसलिए आयोजित किया जाता है कि बच्चों में नेतृत्व क्षमता जागृत हो सके, उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट है, भागीदारी प्रकार के नेतृत्व में क्या होता है? अधीनस्थों से सुझाव मांगे जाते हैं। जिसमें भागीदारी प्रकार का नेतृत्व होता है उसमें जितने भी अधीनस्थ है उन सबसे सुझाव मांगा जाता है, तब कोई निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है या लास्ट है कि शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की प्रमुख भूमिका की पहचान किस रूप में की जाती है? तो वह एक नेता के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों, मैंने बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस कराया हुआ है एंड एमपीटेट के लिए, सभी वीडियोज आप देखिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो होगा शारीरिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, जो आपके किसी भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मनोवैज्ञानिक आधार शारीरिक शिक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसे क्वेश्चंस आप देखते ही हैं, हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।